नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निक फीवर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आजकल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का क्लोनिंग, स्वैपिंग से संबंधित फ्रॉड के इतने सारे केस आते हैं कि हर कोई डर रहा है कि भाई अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड को हम सार्वजनिक रूप से पब्लिक प्लेस पर यूज करें कि ना करें। तो इस बात की टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि RBI ने सब बैंकों को नए निर्देश दिए हैं कि वो जल्दी से जल्दी एक ऐसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें जिससे कि आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के बाद में बंद कर सकें, और जब आपको इस्तेमाल करना हो आप उसको चालू कर सकें। तो ये किस तरह से काम करेगा और आपको इसका क्या फायदा रहेगा, इस सब के बारे में मैं बात करूंगा, और साथ में बताऊंगा कि क्या इसका कोई नुकसान भी है या नहीं। दोस्तों क्या होता है, जब हम ATM मशीन पे जाके अपने ATM कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर POS मशीन जहां पे हम शॉपिंग करते हैं वहां पे अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में हमारा जो कार्ड का डेटा होता है, कार्ड स्वैपिंग करते टाइम पे कार्ड क्लोनिंग और डेटा चोरी होने का खतरा जो बना रहता है। तो ऐसे में हमें डर लगता है कि बाद में हमारे कार्ड का डुप्लीकेट कार्ड बना के उसका इस्तेमाल न कर लिया जाए, क्योंकि आपका पैसा तो कार्ड में रहेगा और कार्ड को आप बंद कराने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा बैंक में, जो कि एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, जो कि एक लिमिटेड बार ही कर सकते हैं, क्योंकि कॉल करा बैंक में फिर आपने ब्लॉक कराया फिर अनब्लॉक कराया, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपको हमेशा डर बना रहता है कि आपने किसी एक जगह पे, संदिग्ध जगह पे आपने कोई स्वैपिंग करी और वहां से आपका कार्ड में से पैसा ना चला जाए, एक टेंशन दिमाग में रहती है, क्योंकि इतने सारे हम न्यूज़पेपर में और ऑनलाइन वेबसाइट्स पे सुनते रहते हैं कि यहाँ फ्रॉड हो गया, यहाँ इसका पैसा चोरी हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए RBI ने क्या किया है, सभी बैंकों को निर्देश दिया कि वो जल्दी से ऐसा अपने एप्लीकेशन जो सारी बैंकों के होते हैं उसमें ऐसा इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिससे कि जो कस्टमर होता है वो अपने कार्ड को, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को एप्लीकेशन से एक सेकंड के अंदर ऑन और ऑफ कर देगा। एक बटन होगा आपके एप्लीकेशन के अंदर में, जब आप ATM मशीन पर जा रहे हैं आपको जो कुछ लेन देन करना है, पैसे निकालने या शॉपिंग करनी है, तो आप एप्लीकेशन की स्क्रीन पे एक बटन दबाएंगे तो आपका कार्ड चालू हो जाएगा और आप वहां पर ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जैसे आपके हाथ में पैसा आया, आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, आप एप्लीकेशन में जाके उस कार्ड को बंद कर देंगे। तो ऐसे में अगर आपके कार्ड का डेटा चोरी भी हो गया है तो कार्ड के चोरी हुए डेटा से कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपने उस कार्ड को बंद कर रखा है। तो ऐसे में तो चोरी का मामले जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। स्वैपिंग कोई कर ले कहाँ पे करेगा, कोई क्लोनिंग कर ले कहाँ पे करेगा, क्योंकि जब आप यूज कर रहे हैं उस चीज को, जब अपने कार्ड को ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा उसको पता चल रहा है कि आपने कब ओपन किया, जाके वो तुरंत जाके ट्रांजेक्शन कर ले, आप 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए ओपन करेंगे, तो ऐसे में चोरी होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। तो अब बात करें इसके नुकसान की, तो इसका नुकसान तो वैसे कोई भी नहीं है, लेकिन इसका एक छोटा सा नुकसान यही है कि आपको हर समय अपने साथ में अपना स्मार्टफोन कैरी करना पड़ेगा, और जो गांव देहात में लोग रहते हैं, वृद्धजन होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो जिस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो ऑन ऑफ करने का सिस्टम उनकी डिवाइस के अंदर नहीं होगा। और इसके अलावा कभी ऐसा होता है कि आप अपना फोन घर पे भूल गए और आपका कार्ड बंद ही आपने छोड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपको दोबारा लौट के आना पड़ेगा, फोन लेके जाना पड़ेगा, तब ऑन करके तब ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। इसके अलावा तो बहुत ही सुरक्षित है ये सुविधा जो आने वाली है, तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी रहेगी अगर जल्दी से जल्दी सारे बैंक अपने एप्लीकेशन के अंदर इस तरह का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो मुझे आप कमेंट में बताइए कि ये सुविधा अगर आपको मिलती है तो आपको इसके बारे में क्या कहना है, कैसा मतलब आपको लगेगा, ये एक अच्छी सर्विस है या नहीं, मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।